लेते हैं इसे एक बार हम। ब्लेजर भाई 1000 रुपए के, 600 रुपए सेल लगी हुई है SRS मॉल में, बेसमेंट में जो। ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चे आप खाना बना रहे हैं, ये हमारा। तो ये आ चुका है गाइस ऑर्डर, भाई निकाल। अब देखते हैं एक छत पे घर बनाएंगे या रूम बनाएंगे, क्या करेंगे। अनाज देखो पूरा खराब हो गया, ये चारों तरफ हो गया, इसमें पूरा रेत रेत से हो गया। ये देखो पूरा अनाज जो इसमें इस तरह खराब हो गया, पूरा चूरा बन गया। ये निकला है गाइस, क्या हाल है आप सबके। गाइस पता है आज क्या हुआ, मैं जगा था सुबह 5:30 बजे, जगा था पापा ने, क्योंकि वो लेके आनी थी वहाँ से ईंटें वगैरह। तो हुआ ये, नहीं लेके आ पाए, उसने फ़ोन नहीं उठाया, जो ड्राइवर था आने वाला था लेके ट्रैक्टर, तो वो आया नहीं। तो फिर उसके बाद मैं सो गया 8-9 बजे के समथिंग सो गया। फिर जगा मैं 1:30 से 2 बजे जगा था, फिर सो गया, फिर जगा 2:30 बजे जगा हूँ। अब आया हूँ मैं मार्केट की तरफ आया हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा काम है, कपड़े वगैरह लेने हैं, और मम्मी वगैरह भी अभी पीछे, अभी साथ में थे मम्मी और बहन थी, तो अभी वो पीछे रुक गए हैं, उन्हें थोड़ा सा काम है। और मैं आया हूँ साईं मंदिर पे, यहाँ पे मुझे थोड़े कपड़े वगैरह लेने हैं। सामान है गाइस ले लिया है, अब जा रहा हूँ उधर मम्मी के पास में। तो अभी यार इसमें भी टायर डलवाने पड़ेंगे गाड़ी में, चारों टायर चेंज कराने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। अब इसमें आ रहा है खर्चा ही खर्चा मेरी गाड़ी में, कम से कम 10,000 का खर्चा है इसमें। अभी टायर डलेंगे चारों, 8,000-8,500 का ये खर्चा है, और एसी का कंडेंसर कराना पड़ेगा वो, और अगले महीने इसका इंश्योरेंस भी आ रहा है वो। गाइस अभी रात का टाइम हो चुका है, मैं हो गया हूँ रेडी, ये कपड़े पहने हैं, तो मैं जा रहा हूँ शादी में। एक जगह लगन सगाई है मेरे घर के पास में है, 2-3 किलोमीटर है, 2-3 के समथिंग है 2.5 किलोमीटर मान लो। तो जा रहा हूँ मैं, लगन सगाई है उसमें जाना है। तो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को, यहाँ पे ईंटें आ चुकी हैं, तो ये लगी थी कल परसों, आज ये वाली भी आ चुकी हैं, ये भी हमारी है। अब देखते हैं एक छत पे घर बनाएंगे या रूम बनाएंगे, क्या करेंगे। तो अभी गाइस ये हैं, यहाँ लगानी पड़ेंगे ये अभी इन्हीं की तरह। मेरी बैंड बज गई है यार। मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज है 7 तारीख, नेक्स्ट डे, तो आज आए हम बुरादे भरने के लिए सुबह सुबह, तो अभी घर के बाहर ही आए हम। तो ये बोरे में भर लिया है, और बाकी पीछे की साइड उधर पड़ा हुआ है, तो वो भर लिया है, अभी आ रहा है बॉबी लेने के लिए। तो ये भर के फिर जाएंगे घर पे, और आज थोड़ा काम भी ज़्यादा है घर पे जाके, अभी मिट्टी विट्टी तैयार करनी पड़ेगी, बर्तन बनेंगे। गाइस दोपहर हो गई है, आज हमने जो अनाज था वो सारा धुल दिया है इधर, ठीक है, क्योंकि ये सही था बच गया था, जो सही था वो इधर, जो ख़राब हो गया था वो उधर कर दिया, वो बकरियों के लिए डाल देंगे। तो गाइस अभी आ गया मैं पीछे की साइड में, अभी मुझे ये मिट्टी है जो लता देनी है, इसको मतलब ठीक कर देना है, फिर बर्तन बनाने हैं आज मिट्टी के। और एक सरप्राइज़ है गाइस, वो सरप्राइज़ मिलेगा उसे, तब कल सरप्राइज़ मिल जाएगा उसे।
तो अभी आने वाला है, डिलीवरी बॉय आने वाला है आज अमेजोन से, तो वो एक फोन लेके आने वाला है मोबाइल, तो एंड तक बने रहना। MI Note 10S तो वो फोन मंगाया है, उसको देखूंगा, अगर उसका कैमरा क्वालिटी अच्छा होगा तो वो एक फ्रेंड का है जो उसने मोबाइल मंगवाया है, तो उसे ओपन करके देखेंगे, अच्छा होगा तो सारा कुछ आपको भी दिखाऊंगा कि कैसा मोबाइल है, और आप देख लेना, अगर आपको पसंद लगे तो आप उसे बाय कर सकते हो, उसकी बाय लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो तो बाय कर लेना उसे। तो ये आ चुका है गाइस ऑर्डर, भाई निकाल के दे रहे हैं अभी। लेते हैं इसे एक बार हम। वाओ कितना प्रीमियम लग रहा है यार, चलो गाइज ओपन हो गया, अब इसे मैं देख लेता हूँ टेस्ट करके। तो गाइस वैसे मोबाइल देखने में यार एकदम प्रीमियम अच्छा फील लग रहा है, अभी इसे मैं टेस्ट करता हूँ अच्छे से और इसे कर लेते हैं इसे बूट अच्छी तरह से। तो ओपन हो गया, ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चे आप खाना बना रहे हैं, ये हमारे किराएदार के हैं बच्चे, और ये देखो इतने बड़े बड़े होके इन पे खाना खाना नहीं आता ढंग से, और यहाँ पे बच्चे खाना बना रहे हैं भाई। वेदर बड़ा ऑसम हो रहा है, एकदम मस्त वाला वेदर हो रहा है ये। ब्लेजर भाई 1000 रुपये के 600 रुपये सेल लगी हुई है SRS मॉल में, बेसमेंट में जो कपड़ों की शॉप थी वहाँ पे। ये देखो ये ब्रांडेड कपड़े हैं यहाँ पे सारे, ये 750 की शर्ट है, ये 750 की, ये 400 रुपये की टी शर्ट है, वहाँ 500 के कैजुअल शूज है, 1000 रुपये के, तो इस तरह यहाँ पे सेल लगी हुई है। मैं आया हूँ घूमने के लिए, ये पार्क एवेन्यू की शर्ट है जो कि 750 की ओनली, जो 2-3 हज़ार रुपये 1500-2000 तक की आती है वो इतने की है। तो ये यहाँ पे शर्ट है ये 600 की, तो ऐसे पूरे में यहाँ पे लेडीज़ आइटम सारे लगे हुए हैं, उधर लेडीज़ का पूरा स्टफ़, तो चेकआउट कर लेना जो भी आना चाहता हो। मॉल के अंदर है, यहाँ पे आके ले सकते हो अगर कोई आसपास से हो जिसको चाहिए, हमें तो भाई नहीं खा रहा इतने में तो नए कपड़े लेंगे भाप से, ये तो बहुत हम सोच रहे थे अगर 300-400 तक की जीन्स मिलती वो यहाँ पे 900-1000 रुपये की, तो लेते अब नहीं ले रहे, बस जाएंगे NIT शूज़ वगैरह चेंज करने हैं आज अभी लड़के। तो गाइज SRS मॉल से निकल रहे हैं बाहर, ये SRS मॉल है, आपको आना हो गाइज आ जाओ, शॉपिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे दबा के, और धूप यार बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आ जाओ गाइज शॉपिंग वगैरह कर लो, इस भाई को खरीदना हो खरीद लेना, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको 200-300 इस तरह की टी शर्ट मिल जाए, तो यहाँ पे टी शर्ट भी 400 रुपये से स्टार्ट है, और है ब्रांडेड चीज़ें, और बाकी शर्ट वगैरह 600-700 से स्टार्ट है, और जीन से जो 1000 रुपये से, तो भाई हमें तो नहीं चाहिए इतनी महंगी। हम तो सोच रहे थे अगर 300-400 की शर्ट या पैंट मिलेगी 300-400 की तो ले लेंगे, बाकी NIT जा रहा हूँ, ये उस दिन शूज़ लिए थे यार, ये चेंज करके आने हैं, चलते हैं अभी NIT की तरफ। पैसा ना हो पास जिंदगी लगे उदास। गाइस क्या हाल चाल है आप सबके, आज है 8 तारीख और शाम का टाइम है गाइस, मैं अपनी कार को लेके जा रहा हूँ बाहर की तरफ, ठीक है थोड़ा काम है, थोड़ा पर्सनली काम है, तो शाम को जा रहा हूँ मैं अभी, तो फिलहाल मुझे NIT में थोड़ा सा काम है, ये शू वगैरह है तो थोड़ा चेंज वगैरह करना है शू का, बाकी निकल गया हूँ मैं, और कार को बहुत ही कम स्पीड में 40 की स्पीड पर चला रहा हूँ, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग का थोड़ा इशू है, टायर पुराने हो चुके हैं इसके, बाकी अभी बस मंजिल पर पहुँचने ही वाला हूँ कुछ टाइम में। और यार कल मुझे जुकाम हो गया था, कल मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, क्योंकि मैंने ठंडा पानी वगैरह पी लिया था, तो इसकी वजह से गला कटा कटा सो रहा था, लेकिन आज मुझे हल्का जुकाम हो चुका है,
एक मिनट, सैटेलाइट आ चुकी है। तो आज मुझे थोड़ा सा जुखाम जैसा हो गया है। बाकी गाइज आपको वीडियोस अच्छी लगती है मेरी यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लो, क्योंकि आपका भाई अब थोड़ा आउटडोर शूट करना चालू कर रहा हूँ मैं अब। तो ऐसे ही इस तरह के कंटेंट के लिए भाई के चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आप सबका ये चैनल आप देखोगे तो मेरा काम करने का मन करेगा और ज़्यादा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करे, उससे थोड़ी मोटिवेशनल मिलती है, ठीक है, मोटिवेट होते हैं थोड़ा उससे कि हाँ आपको थोड़ा पसंद आ रहा है। तो अभी आ गया हूँ घर गाइस, हाँ रात के 8 बज चुके हैं। तो गाइस यही है कुछ आज का ब्लॉग, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे कर ले, कोई भी नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।